की गई घोषणाओं के माध्यम से, जहाँ हमने अल्प आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को भी महंगाई से राहत देने का प्रयास किया, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया। इसी क्रम में अब मैं नवीन घोषणाएं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा एवं युवा विकास वर्ष 22-23 के बजट में मेरे द्वारा जयपुर में JLN मार्ग पर एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के अपग्रेडेशन हेतु 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में ले जाएंगे। हमारे द्वारा कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स चलाए गए थे। इनकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष भी 75 करोड़ रुपये व्यय कर ब्रिज कोर्स चलाए जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। स्कूल शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कमोन्नत किए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के में विज्ञान वाणिज्य एवं कृषि संकाय विषय प्रारंभ किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षण सुविधा विस्तार हेतु विभिन्न विद्यालय छात्रावास IT खोले जाना विद्यालय महाविद्यालय के क्रमोन्नत नवीन विषय संकाय प्रारंभ करने के साथ साथ अन्य सुविधाएं का विस्तार किया जाएगा, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर विशाला बाड़मेर भूसावर भरतपुर तालचीटी धोसा फलसून जैसलमेर बिसव मंडावा झुंझुनू कुचामन सिटी खजवाना यहाँ बड़ी नागौर सुरोट सिंडोन सिटी करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। शाहबाद किशनगंज 12 समदड़ी बाड़मेर बज्जू कोलायत बीकानेर सारेड़ा दोसा आमेर जयपुर जालामन लूणी जैसला घंटियाली जोधपुर अंबर पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे प्रस्तावित है। सारेड़ा दूदू जयपुर में शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय एवं नावा नागौर दोसा चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिक्षा अनुदेशक मदरसा पैरा टीचर्स के 6,843 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में युवाओं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में NCC की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए NCC ग्रुप मुख्यालय जोधपुर में प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। युवाओं को खेलों की ओर रुझान बढ़ाने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार पंचायत से राज्य स्तर पर होने वाली खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संबंधित करने के लिए संभाग स्तर पर खेल प्रबंधक तथा जिला स्तर सहायक खेल प्रबंधक के नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। चूरू व पाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। खेल प्रतिभाओं को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में खेल अकादमी स्टेडियम इंडोर हॉल आदि के निर्माण विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को वृद्ध रूप से देते हुए कोक्लियर इम्प्लांट के रिप्लेसमेंट एवं टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस से प्रभावित रोगियों हेतु इंसुलिन पंप्स के पैकेज को आवश्यकता अनुसार शामिल करना प्रस्तावित है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न दवाओं की उपलब्धता को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी को राजकीय कंपनी के रूप में पुनर्जीवित किए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से PHC उप सब सेंटर PHC CSC उप जिला अस्पताल जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर ब्लड बैंक आदि खोले
क्रमबद्ध किए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं। सभी मानसिक चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब स्थापित की जाएगी। दवा वितरण केंद्र सैंपल कलेक्शन हेतु 15 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। बढ़ते रोगी भार एवं आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सभी मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्रों स्कूलों के निर्धारण प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी विशेष योग्यजन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रतिष्ठित एनजीओ के माध्यम से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर मानसिक विबंधित महिलाओं हेतु पुनर्वास गृह संचालित करने तथा प्रत्येक जिले में राजकीय मानसिक विबंधित मूक बधिर नेत्रहीन श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यालय खोले जाने के जाने प्रस्तावित करता हूँ। 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के विलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर भी स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष प्रथम चरण के रूप में नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के लिए सुलभ संस्था के माध्यम से 500 स्थानों पर टॉयलेट बनाए जाने के साथ ही 5,000 अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में भी महिलाओं के लिए टॉयलेट एवं स्नानघर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 1 नवंबर 1962 से विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशन में पदकों से अलंकृत प्रदेश के सूरवीरों को देय सुविधाओं में विसंगतियों को दूर किए जाने के साथ ही कोस्ट गार्ड तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों के लिए भी आवश्यक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही नगी श्री कर्णपुर श्री गंगानगर में भारत पाक सीमा पर स्थित वार मेमोरियल सेंटर में विकास कार्य कराए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पुल व आरओबी आदि के निर्माण एवं उन्नयन कार्य 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कराए जाएंगे जाने प्रस्तावित इसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय विधायकगण द्वारा 11 के बाद घोषित राज्य गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग को देखते हुए मेरे द्वारा वर्ष 23-24 के बजट में 500 से अधिक आबादी वाले राज्य गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थिति को देखते हुए अब मैं इन क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राज्य गांवों को चरणबद्ध रूप से जोड़ना पसंद करता हूँ। आमजन की सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न टोल सड़कों पर टोल कलेक्शन हेतु फास्टैग टैग सुविधा लागू कराना प्रस्तावित है। इस पर 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा। किशनगढ़ अजमेर की हवाई पट्टी के विस्तार में पहाड़ी क्षेत्र के कारण उत्पन्न बाधा को दूर कर कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करने हेतु DPR बनाई जाएगी। आमजन को और अधिक राहत पहुँचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष माह अप्रैल से प्रसन्न गाँवों के संग तथा प्रसन्न शहरों के संग अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इसी अभियान में शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभान्वितों तो बेनिफिशरी के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी किया जाएगा जिसे कोई पात्र व्यक्ति परिवार परियोजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे। इसके साथ इन अभियानों में विभिन्न विभागों से संबंधित पूर्व में किए जाने वाले कार्यों के साथ ही अधिक राहत दी जाएगी जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास हेतु 189 शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में नवगठित 44 नगर पालिकाओं तथा इस बजट में घोषित नगर निकायों के मास्टर प्लान भी तैयार किए जाने प्रस्तावित है। साथ ही निकाय सीमाओं की समीक्षा कर विस्तार किया जाएगा। सरकारी सामुदायिक परिसंपत्तियों भूमियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए MLA योजना में बाउंड्री वॉल के साथ साथ
तारबंदी को भी अनुमत करना प्रस्तावित करता हूँ। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज के कार्य कराए जाएंगे। इसे तो 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आगे हाथ में लिए जाएंगे। जयपुर रेटेज क्षेत्र की पुरानी एवं जीन छीन सीवरेज लाइनों को बदलने का कार्य कराना प्रस्तावित है। इस पर 296 करोड़ रुपये तय होंगे। प्रदेश में सीवरेज व ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख रहा हूँ। टोल तालाब 12 का सौंदर्यकरण एवं विकास कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही श्री गलता पीठ जयपुर में वर्षा जल संचय कर कानोता बांध तक ले जाने एवं कियारा बांध की मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु DPR बनाई जाएगी। पेयजल, माननीय सदस्यों के माध्यम से कई स्थानों की पेयजल संबंधी समस्या की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपम्प तथा 10 ट्यूबवेल तक लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों व 1,473 गाँव के लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4,674 करोड़ रुपये व्यय कर घर घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वर्तमान समय में डिजिटल के साथ साथ ई कॉमर्स का भी प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अतः इन सेक्टर्स के विकास की दृष्टि से राजस्थान रिटेल पॉलिसी तथा राजस्थान ई कॉमर्स पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रिटेल सेक्टर्स में प्रतिष्ठित प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से 1,000 फ्रेंचाइजीज खोली जाएगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को ट्रेनिंग कराने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइज 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में खनिज बिजली के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्थानों पर नदियों में 100 हेक्टेयर आकार तक के प्लांट बनाकर पिट माउथ पर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने वाले निविदाताओं को खनन पट्टे आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ में स्थित पेट्रो जोन के औद्योगिक विकास को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने हेतु इसे रिप्स 2022 के अंतर्गत एरिया कैटेगरी 2 से परिवर्तन कर एरिया कैटेगरी 3 में सम्मिलित कराना प्रस्तावित है। रिप्स 22 के अंतर्गत नवीन निवेश हेतु चूंकि 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है, तदनुरूप किसी उद्यम के 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की स्थिति में भी योजना के अंतर्गत विस्तार हेतु परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कत्तिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किए गए ट्रेनिंग सेंटर्स में खादी ग्रामोद्योग संबंधी प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अग्निशमन अनापत्ति पत्र NOC की प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ शुल्क को डिजिटल करते हुए ऑटोमेटेड स्वीकृति जारी करना ज्यादा प्रस्तावित है। साथ ही सिनेमा लाइसेंस एवं नवीनीकरण प्रक्रिया का आधुनिक आवश्यकता अनुरूप सरलीकरण किया जाएगा। प्रदेश में 31 मार्च 2019 के पश्चात प्रधानमंत्री शहर बिजली हर घर सौभाग्य योजना समाप्त होने के उपरांत लगभग 2 लाख परिवार घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गए थे। हमारे द्वारा लगातार केंद्र सरकार से इन परिवारों हेतु CSS के योजना अंतर्गत प्रावधान करने का आग्रह किया जाता रहा है, किंतु अभी तक केंद्र सरकार द्वारा हमारे आग्रह को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। अतः अब मैं आगे 2 वर्षों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग 1,000 करोड़ की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों हेतु 31 दिसंबर 2022 तक देय विलंब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणी के GSS स्थापित करने के साथ साथ विद्युत कार्यालय खोले जाएंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों, पौधारोपण तथा वन्य जीवों की देखभाल से संबंधित कार्य हाथ में लिए जाएंगे, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ।
पर्यटन कला और संस्कृति। जयपुर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में संपूर्ण प्रदेशवासियों की अच्छी आस्था है। इसके दृष्टिगत में गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर रद्द विकास करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास प्रारंभ किए जाएंगे। इस पास के द्वारा सिटी ट्रांसपोर्ट एवं रोडवेज की बसों में यात्रा के साथ साथ समस्त पर्यटन स्थलों व स्मारकों में प्रवेश की सुविधा हैसल फ्री उपलब्ध हो सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर द्वारा संचालित वातावरण के लिए पर्यटक लग्जरी कोचों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। सांवलिया से चित्तौड़गढ़ में जल जोधनी एकादशी मेले को भी 50% बस किराए छूट योजना में शामिल किया जाएगा। बैनेस धाम डूंगरपुर के समग्र विकास की कार्य योजना तैयार करते हुए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। धार्मिक विकास पर्यटन विकास की दृष्टि से विभिन्न पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्वार उन्नयन संबंधी कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेशवासियों विभिन्न मंदिरों में अगाध आस्था देखते हुए त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर बांसवाड़ा, कणी माता बीकानेर, केला देवी गोवर्धन पर्वत भरतपुर, सालासर चूरू, सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी करौली, खोले के हनुमान जी, संगमवरी माता सांबर जयपुर, रामदेवरा तनोट माता मंदिर जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, वीर तेजा जी नागौर, खाडू श्याम जी सीकर, एकलंगी जी उदयपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में पैनोरमा आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास किए जाने हेतु 10 करोड़ की लागत से DPI बनाई जाएगी। अजमेर में पतिराज, बीकानेर में साहब विकाजी, आचिन भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज, शाहपुर भीलवाड़ा में केसी सिंह भारत, चित्तौड़गढ़ में पन्ना राय, धौलपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले, शिवदासपुरा जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, जोधपुर महर्षि नवल स्वामी, जालोर में वीरम देव कानर देव चौहान, गोगुंदा उदयपुर में राणा पूंजा, पोकन जैसलमेर में इंदिरा माँ शक्ति भारत एवं करौली में केला देवी के पंद्रमा बनाए जाएंगे। देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक रंग रोगन एवं मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे। साथ ही राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर 5,000 रुपये प्रतिमा किया जाएगा। लोक कला मंडल उदयपुर के उन्नयन की DPI बनाई जाएगी। साथ ही कला एवं मार्बल नगरी किशनगढ़ अजमेर में आर्ट गैलरी तथा साइंस पार्क नवलगढ़ झुंझुनू में डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में पब्लिकेशन कम म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। कृषि व समन क्षेत्र में साइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एवं फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी के लिए 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिकेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10,000 किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु रिच बेड प्लांटर यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने अब नॉन एग्रीकल्चर सीजन में आय के विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एक बारी शुल्क को 6,000 से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, इंस्पेक्शन फीस व ग्रीन टैक्स को 2,300 घटाकर 200 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंडियों में देय कृषक कल्याण शुल्क पर मौजूदा 50% की छूट को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समस्त कृषि मंडियों में व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापार भवन हेतु DLC की 25% दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गंगापुर भीलवाड़ा एवं गोगुंदा उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। चांदन जैसलमेर मावाड़ा पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। बेगू चित्तौड़गढ़ में सब्जी फूल मंडी तथा सावर अजमेर मंडेला पिलानी झुंझुनू शाहडोली रामगढ़ अलवर बागोर मांडल भीलवाड़ा व जम्वारामगढ़ जयपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी।
साथ ही गौण कृषि उपर मंडी लोहावट जोधपुर को कृषि उपर मंडी में गमन किया जाएगा। प्रदेश में पंजीकृत 3,636 गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यक अनुसार 3-फेज ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु आगामी वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये होंगे। पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थान केंद्र खोले जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आगामी 3 वर्षों में धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर राजागेड़ा व सेपू के 28,800 हेक्टर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। इससे 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। मेरे द्वारा 16 फरवरी 2023 को प्रदेश में 100 एनीगेटों के निर्माण जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में माननीय सदस्यगण प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से कार्य की महत्ता को देखते हुए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, अतः मैं एनीगेटों के निर्माण जीर्णोद्धार व नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित की गई 400 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में सिंचाई संबंधी विभिन्न विकास के कार्य कराए जाएंगे, जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। बारा जिले की परवनबद्ध सिंचाई परियोजना में अट्टू के 17, अंता के 10 और मांगरोल 10 वंचित गांवों को शामिल करने हेतु रिपेयर बनाई जाएगी। साथ ही सरदार से चूरू के 58 वंचित गांवों के रकबों को चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना में शामिल किया जाएगा। बांधों व नहरों के सुचारू संचालन हेतु गेज रीडर ऑपरेटर गेज थर्ड आदि 3,000 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। कानून व्यवस्था। प्रदेश में आपराधिक गैंग्स की गतिविधियां तथा पड़ोसी राज्यों से अपराधियों के आवागमन पर नियंत्रण की दृष्टि से हम राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण कानून ला रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 अतिरिक्त कमांडो प्लाटून की स्वीकृति कराना प्रस्तावित करता हूँ। राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में सेंटर ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्थापित किए जाने के साथ साथ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 19 करोड़ का होगा। राज्य में शहरों एवं कस्बों में सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव की स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था कायम किए जाने हेतु ट्रैफिक पुलिस को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 500 पुलिस कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल एवं उप निरीक्षक स्तर के पद सृजित किए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु पुलिस कार्यालय व न्यायालय खोले जाने के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा कार्य होने वाले वैक्स प्रोसेसिंग को IT के माध्यम से ऑनलाइन करने में आज प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न विभागों से संबंधित IT सॉफ्टवेयर का लाभ दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले प्रदेशवासियों को मिल सके, इस हेतु मैंने ग्राम विकास अधिकारी पटवारी तहसीलदार विकास अधिकारी से लेकर जिला प्रमुख कलेक्टर आदि तक टैबलेट देने का निर्णय किया था। अब इसी क्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्य दायित्वों को बेहतर निष्पादन हेतु लैपटॉप टैबलेट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदन को याद होगा कि प्रदेश के इस विकसित IT तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैंने गत बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस निर्णय के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्टफोन ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट की क्राइसिस उत्पन्न हो गई। इस कारण स्मार्टफोन की उपलब्धता की समस्या के साथ ही कीमतों में वृद्धि हो गई थी। फिर भी हम इस कार्य को अब चरणबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे। प्रथम चरण के रूप में आगामी वर्ष बहन बेटियों के पावन पर राखी से चिरंजीव परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय ITI पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजना अंतर्गत स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस प्रकार पहले चरण में लगभग 40 लाख बेनिफिशियरी को यह स्मार्टफोन प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश में कुशल वित्तीय एवं बजटीय प्रबंधन के साथ साथ कर प्रणाली के सरलीकरण हेतु इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 तथा इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू करने के साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रिया हेतु नवीन राजस्थान लोक उपपन पारदर्शिता अधिनियम RTPP Act रूल्स तथा वित्तीय लेखांकन व सार्वजनिक निर्माण संबंधी इंटीग्रेटेड राजस्थान फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स बनाए जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा IFMS के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कार्मिकों और पेंशनर को भी अपने GPF खाते का पर पूरा नियंत्रण, पेंशन स्वीकृति के लिए सर्विस बुक की बाध्यता समाप्त करना एवं सैलरी पेंशन का ऑटो पेमेंट जैसे नवाचार कर राहत दी गई है। इसके उपरांत भी वर्तमान में कार्मिकों को रिटायरमेंट के समस्त पेंशन परिलाभ प्राप्त होने महीनों का समय लग जाता है। अब कार्मिकों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से माह मई 23 से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता हूँ। हमने राजकीय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा उपलब्ध कवरेज जैसे सभी के लिए OP लागू करने का प्रारंभ किया। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अब मैं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में बेसिक पर 10% अतिरिक्त अलाउंस उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। राज्य के कार्मिकों को उनके द्वारा सातवें वेतन आयोग वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिए गए विकल्प के कारण वेतन में हो रही हानि को देखते हुए इन नियमों में पुनः विकल्प दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी। कार्मिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिकों को वेतन लाभ मिले इसके लिए अनुपातिक आधार पर माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण एडवांस सैलरी विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। राजकीय कार्मिकों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को स्पेशल अलाउंस इंक्रीमेंट दिया जाना प्रस्तावित है। कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं की दक्षता में वृद्धि सतत रूप से किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रदेश के एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के यूनियन के साथ ही संस्थान के अंतर्गत सिडिल सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत में राजस्थान सिविल सर्विस एपिलेंट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ जोधपुर में भी खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक इकाइयों कार्यालय खोले क्रमबद्ध किए जाएंगे जिसका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लास्ट मेरा ये पहला अपना मैं बहुत महत्व रखता क्योंकि मैंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय मैंने कहा था कि हमारे माननीय सदस्य मुझसे मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते दे नहीं थकूँगा। पर ये मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे इस भावना का फायदा उठाते हुए जिले की मांग कर लेंगे। मैंने कहा सड़क है, पानी, बिजली, सड़क, नगर पालिका की मांग करेंगे, अभी तो जिले की मांग करने लगे। कुछ मैंने एक्सरसाइज की है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत 4 वर्षों में प्रदेश के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन देना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे द्वारा जन घोषणाओं एवं बजट घोषणाओं के माध्यम से एक के बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ढाणी ढाणी मगरे मगरे में बसे जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुँचे इसके लिए जिला स्तर पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है।
राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण फैसले का हर परिवार तक पहुँचना बहुत कठिन होता जाता है। जिला अपेक्षा का छोटा होने के प्रशासन व प्रबंधन व कानून व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज व सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं वहाँ पर जिलों की संख्या दुगनी तिगनी हो गई है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमने छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने भी नए 7 नए जिलों की घोषणा की है। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया था जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से नंबर 2 मदन प्रजापत के वो मुझे मित्र प्रधान है। आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो पहनाओ, चप्पल नहीं पहनाओ जाए तो इतना आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय जिले कोई एक स्पर्श के थोड़ी है, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए तब मजा आएगा जिले बनाने का भी।